हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 में पार्ट 2। उसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये बार क्या है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन है, हेंस देयर सॉल्यूशंस। हेंस देयर सॉल्यूशन भी निकालना है। इक्वेशन फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन, वो फाइंड करना है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी एक्सरसाइज अभी मैं जो पार्ट 2 पे जो भी क्वेश्चन दे रही है प्रॉब्लम सॉल्व है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम के लिए ये आएगा, इसके लिए मैं ये आपको अच्छे से डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। रितु कैन रॉ डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। अभी इफ वाटर पानी है और बोट है, अब दोनों का पानी और बोट का डायरेक्शन दोनों डाउनस्ट्रीम है। इफ सपोज यहाँ मेरा पानी जाता है, ओके दिस इज द वाटर इज गोइंग दिस वे, और यहाँ पे मैंने बोट है, मेरा ये बोट है। अब पानी ये बाजू जाता है, ओके यहाँ से फ्लो होके इस बाजू आता है। पानी और बोट का दोनों का डिरेक्शन एक है, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ओके, डाउनस्ट्रीम। अभी यहाँ पे बोट का, इसलिए मैंने बोला बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर हर। यहाँ पे बोट का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर हर। ओके, और y का स्ट्रीम का स्पीड होगा y किलोमीटर पर हर। अभी दोनों ही बोथ आर गोइंग ऑन द सेम डिरेक्शन, दोनों सेम डिरेक्शन पे जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का कंडीशन क्या होता है, x प्लस y पर किलोमीटर, किलोमीटर पर हर। ओके, डाउन स्ट्रीम का ये कंडीशन है, तो डाउन स्ट्रीम के क्या है, x प्लस y किलोमीटर पर हर। ओके, ये होता है। लेकिन अपस्ट्रीम, अभी अपस्ट्रीम्स भी बताया है, अपस्ट्रीम से ने पानी का फ्लो इस तरह से जाता है, पानी का फ्लो ये साइड पे जाता है, लेकिन हमारा बोट का फ्लोइंग ये साइड पे जाता है। बोट का इसमें देखो, बोट ये साइड पे जाता है, बोट कौन से साइड पे जाता है, ये बाजू पे जाता है, तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। अभी यहाँ पे बोट का स्ट्रीम्स किस बाजू जा रहा है, ये बाजू, पानी ये बाजू, यानी दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन होता है, दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन पे होती है, तो वो है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम का कंडीशन क्या होता है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हर। ओके, ये आपकी इतना समझ में आया है कि नहीं, आ गया ना, कोई डाउट है इधर तक। रीता कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर यहाँ से 2 आवर्स पे वो पहुँचना चाहिए, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स पे पहुँचना चाहिए। दोनों का स्पीड रोइंग इन स्टील वाटर, पानी के अंदर, और करेंट स्पीड क्या है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे हमने बताया बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर हर, और y का क्या है, और स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर हर। ओके, तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया, वो मैं रबाउट कर देती हूँ। अभी आपको मैं लेट करती हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, वो x किलोमीटर, लेट द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्टील वाटर लिखते, स्टील वाटर एक्स किलोमीटर पर हर। अब एक्स द स्पीड ऑफ करंट में है, वाई किलोमीटर पर हर। ये इतना ध्यान में आ गया। ओके, अभी टाइम टेकन टू कवर, अभी 20 किलोमीटर बोला है, 20 किलोमीटर अभी टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर, कितने हवर्स में, 20 किलोमीटर्स कितने हवर्स में बोला था, 2 आवर्स, इन टू हवर्स। अब ये डाउनस्ट्रीम का है, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था, डाउनस्ट्रीम में क्या था, अभी स्पीड, ये टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर इन
टू ओके डाउन स्ट्रीम है 2 आवर्स में। अब यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस किस टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर दिया है, स्पीड कितना है अपना x प्लस y, x प्लस y, ओके डाउन स्ट्रीम का कंडीशंस क्या था x प्लस y, सो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशंस पे आ जाते हैं, ओके फिर भी अभी देखो यहाँ हम एक्सपांड करते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और छोटा रिड्यूस करते हैं ये चीज को, तो 2 को ब्रैकेट पे लेके x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 20 कर देते हैं, या तो 20 अपॉन 2 कर देते हैं, ये 20 किधर ले लेते हैं, ओके सो x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, हाउ रिड्यूस कर दिया है, ओके अभी ये हो गया। अभी टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम का लेते हैं, अब सेकेंड स्टेप जो है टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर कितना किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स बोला है, ओके तो वैसे ही करना है। सो टाइम क्या है 2 दिया है, टाइम 2 दिया था, यस सॉरी 2 आवर्स है नॉट 4 आवर्स, 2 आवर्स 2 दिया है, डिस्टेंस क्या है 4 दिया है, और स्पीड क्या था एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम्स का स्पीड क्या था एक्स माइनस वाई, तो 2x-y इज इक्वल टू 4, ओके सो यहाँ पे क्या करेंगे x-y 2x-y आता है 2, तो ये मैं क्या करती x-y लिख दिया 4/2 कर दिया, तो x-y इज इक्वल टू 2, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व आउट करूंगी तो यानी यहाँ पे लिख दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाई वाई दोनों वेरिएबल कैंसिल हो गया, दोनों वेरिएबल कैंसिल हो तो एक्स प्लस एक्स कितना है 2x, 10 प्लस 2 12, सो एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया, कैसे आ गया 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 के टेबल 2 के टेबल में 12 कब आता है 6, तो x का वैल्यू क्या है x 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अभी ये इक्वेशन मैं रब आउट कर देती हूँ, अब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है x की वैल्यू मैं कौन सी इक्वेशन पे डालूंगी फर्स्ट की इक्वेशन पे, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 6 पुट इन द पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है अभी मैंने तो यहाँ पे रब आउट कर दी, इक्वेशन 1 क्या है x plus y इज इक्वल टू 10, तो 6 plus y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 minus 6, तो y क्या है 4, ओके x क्या बताया 6 किलोमीटर पर हर, तो यहाँ पे भी y क्या बताया 4 किलोमीटर पर हर, ओके सो हम ये देखते हैं हैंड स्पीड ऑफ द बोट, ये लास्ट सेंटेंस लिखना हैंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर हर एंड स्पीड ऑफ करेंट बोट इज अ स्पीड ऑफ करेंट इज अ 4 किलोमीटर पर हर, आपको समझ में आया, प्लीज ये वीडियो अच्छे से सुनिए समझिए लिखिए नोटबुक में फिर आप समझो अच्छे से, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पे आने वाला है एग्जाम्स टाइम पे, तो प्लीज़ ये सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे सेंड करना, अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और ताकि बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसके लिए आपको मेरे वीडियो नए वीडियोज़ के अपडेशन मिलते रहेंगे, थैंक यू।